गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको आज इंग्लिश फर्स्ट का एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप लोग फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, एटलीस्ट ए बी सी डी और जो नंबर सिस्टम में नंबर लिखने का जो वर्ड्स में वो सब तो आप लोग सीख चुके होंगे, या नहीं सीखे हों तो उनको इस लॉकडाउन पीरियड में ज़रूर सीख लें। और इसके अलावा इंग्लिश का वॉवेल का प्रयोग करना, कंसोनेंट का प्रयोग करना, कहाँ पे डबलिंग होती है वॉवेल इसके वॉवेल की या कंसोनेंट की, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप इन छुट्टियों में जानकारी प्राप्त करते रहें। आज आपको एक बुक, चूँकि आपके पास नहीं है बुक, आपके लिए जो मैनेजमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक है वो आपको इस तरह से है, द जनरेशन न्यू जनरेशन इंग्लिश। ये क्लास फर्स्ट का है ये कोर्स बुक। आप लोग अतिशीघ्र ले लें जिससे कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से ऑनलाइन चलती रहे। ये इसमें जो लेसन आपको आज पढ़ा रहे हैं हम, द फेरी फ्रेंड। फेरी जानते हैं, परी, कोई भी एक जो आकाशीय या दैविक आकृति, उसे हम परी कहते हैं। आप लोग अपने बचपन में, या अभी तो बचपन ही है, दादा दादी नाना नानी से परियों की कहानियाँ तमाम सुनते होंगे। तो हम आज उसी विषय में आपको हम पढ़ा रहे हैं। रुचि वाज ए स्वीट लिटिल गर्ल। रुचि नाम है किसी लड़की का, वाज मतलब थी, ए एक स्वीट, बहुत स्वीट बने वैसे मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी, लिटिल छोटी गर्ल लड़की। रुचि एक बहुत ही प्यारी छोटी लड़की थी। सी वाज ओनली 6 years old। सी वह वाज थी ओनली केवल 6-6 years वर्ष की ओल्ड बने उम्र, यानी कि उसकी उम्र केवल 6 वर्ष की थी। दोनों लाइन एक साथ देखें, रुचि वाज ए स्वीट गर्ल, रुचि एक बहुत प्यारी लड़की थी और उसकी उम्र केवल 6 वर्ष की थी। शी लव टू लिसन फेरी टेल्स, उसको परियों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। एवरी नाइट, हर रात को, आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद, हर ग्रैनी टोल्ड हर ब्यूटीफुल फेरी टेल्स, उसके जो दादा दादी वो उसको परियों की कहानियाँ सुनाते थे। शी कुड रीड एज वेल, और वो खुद भी उनको पढ़ सकती थी। आफ्टर ऑल शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, क्योंकि अब वो पढ़ने की योग्य हो गई थी, क्योंकि क्लास फर्स्ट के बच्चे अब ये वॉवेल कंसोनेंट मिला करके शब्दों को पढ़ने की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और आप लोग भी घर पे, चाहे आपके घर पे जो भी सदस्य हों या पास पड़ोस में हों, उनसे मिल करके, पूछ करके और वॉवेल कंसोनेंट को मिला करके आप शब्दों को पढ़ने की कोशिश करें और उसकी मीनिंग की जानकारी प्राप्त करते रहें। तो आफ्टर ऑल सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, वो क्लास फर्स्ट की लड़की थी। वन डे, एक दिन, हर अंकल एंड आंट केम फ्रॉम मुंबई, उनके चाचा और चाची मुंबई से आए। एक दिन उनके चाचा और चाची मुंबई से आए। दे हैड ब्रॉट सम बुक्स फॉर हर, वे उस लड़की के लिए, उसके लिए कुछ किताबें ले आए थे। आफ्टर डिनर, रात के भोजन के बाद, शी वॉज सिटिंग ऑन हर बेड एंड रीडिंग ए स्टोरी बुक। रात के भोजन के बाद वे बैठे थे और एक कहानी की किताब पढ़ रहे थे। देयर वर मेनी ब्यूटीफुल फेरी टेल्स इन द बुक, उस किताब में बहुत सारी परियों की कहानियां थी। सडनली, अचानक, शी हर्ड ए स्वीट सॉन्ग, उस लड़की ने एक बहुत ही मीठा गाना सुना। शी लुक्ड आउटसाइड, वह बाहर की तरफ देखी।
इन द डिम मूनलाइट, धीमी चांदनी रात में, धीमी चांदनी के प्रकाश में, सी वॉज ए लिटिल फेयरी इन द गार्डन, एक छोटी सी परी उसको सामने बाग में दिखाई पड़ी, बगीचे में दिखाई पड़ी। सी वॉज वेयरिंग ए ब्यूटिफुल व्हाइट फ्रॉक, वह एक सुंदर सफेद रंग का फ्रॉक पहन रखी थी। सी हैड टू विंग्स, उसके दो पंख थे। सी हैड ए मैजिक वॉन्ड इन हर हैंड, और उसके हाथ में एक छोटी सी जादू की छड़ी थी। रुचि अब पूछती है, हु आर यू, तुम कौन हो? हु आर यू, जब कभी भी आप किसी स्ट्रेंजर से, अपरिचित से कुछ पूछते हैं या उसका जानकारी उसके बारे में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पूछते हैं हु आर यू, आप कौन हैं। तो रुचि ने भी पूछा हु आर यू, फेरी ने जवाब दिया, परी ने जवाब दिया, आई एम ए फेरी, मैं एक परी हूं। फिर रुचि पूछती है व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहां क्या कर रही हैं? फिर फेरी ने जवाब दिया, परी ने, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रही हूं। सून दे विल कम, जल्दी ही वो आएंगे, एंड वी विल प्ले टूगेदर, हम लोग साथ साथ खेलेंगे, एमोंग द फ्लावर्स, इन फूलों के बीच में, हम इन फूलों के बीच में साथ साथ खेलेंगे। फिर रुचि पूछती है विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरा दोस्त बनेंगी? आई वॉन्ट टू प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेलना चाहती हूं। फेरी कहती है फिर परी, वाई नॉट, क्यों नहीं, वी लाइक टू प्ले, हम खेलना पसंद करते हैं, सिंग एंड डांस, गाना पसंद करते हैं और नाचना भी पसंद करते हैं, विथ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के साथ, यानी कि फेरी ने जवाब दिया हम छोटे बच्चों के साथ खेलना, गाना, नाचना हम पसंद करते हैं। हु आर जेंटिल, लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो बच्चे बहुत ही सज्जन होते हैं, हम दुष्ट बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, जो बच्चे सज्जन होते हैं, पोलाइट होते हैं, यानी विनम्र होते हैं, दूसरों से झगड़ा नहीं करते या अपने काम से काम रखते हैं, सबसे प्रेम से बोलते हैं, वो जो बच्चे विनम्र होते हैं, सज्जन होते हैं, एंड ओबीडियंट और आज्ञाकारी होते हैं, हम उन सब बच्चों के साथ खेलते हैं, लाइक यू, जैसे कि तुम हो। बट वी नेवर प्ले विथ बैड चिल्ड्रन, लेकिन परी ने कहा हम बुरे बच्चों के साथ कभी नहीं खेलते। रुचि ने कहा बट व्हेन विल योर फ्रेंड कम, लेकिन आपके जो मित्र हैं वो कब आएंगे? तो फिर परी ने जवाब दिया लेट मी गो एंड सी वेयर दे आर, चलो मैं जाती हूं और देखती हूं कि वे कहां हैं। सून वी विल कम बैक, जल्दी ही हम वापस आएंगे, एंड देन वी विल प्ले टुगेदर, उसके बाद फिर हम साथ साथ खेलेंगे। सडनली रुचि हर्ड हर मदर्स वॉयस, अचानक रुचि ने अपनी माँ की आवाज सुनी। रुचि गेट अप सून, रुचि जल्दी से उठो, इट इज टाइम फॉर स्कूल, अब ये स्कूल का समय है, यानी स्कूल का समय हो गया है। सी ओपेंड हर आइज, वो अपनी आंखें खोली, हर मदर वॉज कॉलिंग हर, उसकी माँ उसको बुला रही थी। रुचि लुक्ड आउटसाइड, रुचि ने बाहर की तरफ देखा, बट सी कुड नॉट सी नो फेरी देयर, लेकिन उसको बाहर में कोई भी परी दिखाई नहीं पड़ी। ओनली द फेरी टेल बुक वॉज लाइंग ऑन द बेड, केवल परियों की कहानियों की जो किताब थी वो उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तो बच्चों आप ये समझ गए कि जो ये एक स्वप्न होता है, परियों की क्या है, वास्तविक में परियां नहीं होती, आप परियों के स्वप्न देखते हैं, ज़्यादातर बच्चे परियों के स्वप्न देखते हैं, और वो भी रुचि भी यह एक स्वप्न देख रही थी, जब उसकी माँ ने उसको स्कूल जाने के लिए जगाया तो वहाँ पर कोई परी नहीं थी। इस तरह से आपका एक चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, आप लोग जल्दी से
किताबें ले लें जिससे कि आपकी रीडर की भी पढ़ाई सामान्य रूप से चल सके। थैंक यू।